अरे गाइस यार, इतनी गर्मी हो रही है। आप सोच रहे होगे मैं ऊपर क्या कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा जो ये टूटा फूटा सा घर है, इसके अंदर तो और ज़्यादा भट्टी जमी पड़ी है यार। बहुत ही गर्मी है इसलिए बाहर आया हूँ। यहाँ भी गर्मी, अरे भाई बहुत ही गरीबी होगी। गाइस मुझे अपना घर भी बेचना पड़ा, जल्दी जल्दी जाता हूँ। अरे बाप रे, ये क्या हो गया? अरे ये कौन सा डब्बा बीच में आ गया? अबसे पहले तो यहाँ पर कुछ भी नहीं था। फ्रैंकलिन यहाँ क्या कर रहा है तू? अरे बाप रे भाई, क्यों मार रहा है? क्योंकि बेवकूफ, यहाँ पर खाली ग्राउंड हुआ करता था। मुझे यहाँ पर कोई बिजनेस डील करने आना था रेडल के साथ। मुझे एक गॉड रिच लेवल का आयरन मैन वाला सूट बेच रहा था उसको, और तूने बीच में ये डब्बा सा खड़ा कर दिया। उस चक्कर में बहुत बुरी लग गई मेरे, और मेरे सूट में भी परेशानी आ गई। ये गरीब लोग पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। ये ले तेरी, तो मैं तेरा घर फाड़ दूंगा। हट यहाँ से, गरीब भिखारी कहेंगे, हटा इसको यहाँ से। अबे यार कैसा घर है, इसको इतना फाड़ दिया फिर भी यहाँ से जा नहीं रहा है। इसका तो मैं फिर कभी देख लूंगा फ्रैंकलिन को। अरे तूने सही नहीं किया भाई मेरे साथ। मेरे पास एक तो वैसे ही कुछ बचा नहीं था, और ये छोटा मोटा घर था, इसको भी तूने फाड़ दिया। हाँ तो बीच रास्ते में घर बनाएगा तो यही होगा ना। गाइस देख रहे हो, इसने ना मुझे और गरीब भिखारी बना दिया। प्लीज दोस्तों मेरी मदद करो, इस वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब गाइस जल्दी कर दो। अबे रोता ही रहता है जब देखो यार। मैं तो जा रहा हूँ, मुझे जाके गॉड रिच लेवल का आयरन मैन वाला सूट बनाना है। हट यहाँ से, फालतू दिमाग खराब हो गया मेरा। चलो जावेज, हम जल्दी रेडल को ढूंढते हैं, उसे हमें सूट बेचना है अपना। हाँ यार। अरे गाइस यार, मेरा घर फट गया, और ऊपर से टोनी स्टार्क तो गॉड रिच आयरनमैन बनने वाला है। गाइस कुछ भी हो जाए, मैं इसको गॉड रिच आयरनमैन बनने नहीं दूंगा, वो तो मैं बनूंगा। एक काम करता हूँ, जल्दी जल्दी जाता हूँ और जाकर स्टार्क मेंशन इसके गॉड रिच है। ये कौन है? तू यहाँ क्या कर रहा? मेरे पास तो टोनी स्टार्क आने वाला था, वो मुझे सूट देने वाला था, जिस सूट को खरीद कर मैं दुनिया का गॉड रिच बन जाता। अबे पागल है क्या? तेरे बस की कुछ नहीं है। वैसे भी टोनी स्टार्क बहुत बेकार है भाई। एक बार मुझे सूट बनाने दे आयरन मैन के, मैं तुझे बेचूंगा। फिर तू मुझे बेचेगा? तेरी हालत कैसी है भिखारी? रुक तुझे बताता हूँ। अरे गुस्सा क्यों हो रहा है भाई, मैं सच बोल रहा हूँ, तुझे अच्छे अच्छे सूट बेचूंगा। अबे भाड़ में जा, मैं तुझसे कुछ सूट वोट नहीं खरीदूंगा। अरे गाइस भागो यहाँ से, नीचे जा रहा हूँ। अरे भैया मैं तेरी बहन बचा दूंगा। मैं बनूंगा गॉडरिच आयरन मैन और तुझे बनाऊंगा अपना गुलाम। मुझे गुलाम क्यों बनाना चाहता है? जिससे कि मैं तुझसे अपने घर का कचरा साफ करवाऊं और तुझे दिखाऊं कि मैं कितने अच्छे लेवल का गॉड रिचायरमेंट बन गया। अरे गाइस ये तो बहुत ही बड़ी परेशानी हो गई, छोड़ दे मुझे प्लीज ना। अरे आज तो बस मेरा रोने का ही दिन है। तो तू हंसता कौन सा है? तेरा काम ही रोना है फ्रैंकलिन, रोता रहेगा तू। चल अब मेरे घर का कचरा साफ कर। ठीक है मैं कचरा साफ करूंगा, और मत मार। अरे बाप रे, तो भाग कहाँ रहा है? घर तो मेरा जाए। ये घर है तेरा, तू तो खुद मेरे से बड़ा भिखारी है। अबे भिखारी किसको बोलता है, बहुत जल्दी मेरे पास बहुत बड़ा बंगला होगा। फिलहाल तो मेरा ये घर है, और यहाँ पर देख जहाँ पर कचरा भरा पड़ा है, तुझे इसकी सफाई करनी होगी अच्छी तरह से, ठीक है? भूख लगे तो इसी कचरे में से निकाल के कुछ उल्टा सीधा खा लेना, मुझसे पैसे वैसे मांगने की जरूरत नहीं है। जिंदगी भर अब तू मेरी गुलामी करेगा, मैं बनूंगा गॉड रिच आयरनमैन और तू बनेगा सबसे बड़ा भिखारी। गाइस यहाँ पर इतना सारा कचरा दिखा रहा है मुझे, अबे इसको कैसे साफ करूंगा मैं? इसमें तो पता नहीं कौन कौन से कीड़े लगे हुए हैं। तुझे उससे क्या मतलब? मैंने तुझे जितना बताया है तू उतना करेगा, समझा? ठीक है गाइस, यहाँ पर बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। अरे दोस्तों यार, को एक तो मुझे आजकल कोई सपोर्ट नहीं करता। प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कर दिया करो और चैनल को सब्सक्राइब, उससे मुझे बहुत हेल्प मिलती है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, हमने इस कचरे को उठाया अपनी पीठ पर और लेकर चलते हैं इसको। हम सबसे पहले कहाँ पर जाके फेंकें? एक तो अगर आसपास फेंक दिया तो ये रेड हल्क मुझे ही पीटेगा। दोस्तों एक बार इसको आयरन मैन का सूट लाने दो, फिर ना मैं इससे सूट को छीन लूंगा और मैं ही गॉड रिच आयरन मैन बन जाऊंगा। लेकिन दोस्तों यार, ऐसे कब तक गुलामी करूंगा? मेरे पास एक आइडिया है गाइस, क्यों ना हम यहाँ से भाग जाएं? देखो वैसे भी उस तरफ देख रहा है, बहुत बढ़िया मौसम है गाइस, वहां पर पता नहीं वो क्या बातें कर रहा है। हम चुपचाप वापस निकलते हैं। कहाँ गया फ्रैंकलिन? वहाँ भाग रहा है तू? अरे बाप रे गाइस, पकड़ लिया मुझे। हाँ तो कैसे नहीं पकड़ूंगा? तू ऐसे नहीं मानेगा, मैंने तुझसे बोला था मैं तुझे गुलाम बना के रहूंगा, लेकिन नहीं, अब मैं तुझे बंदी बना के रहूंगा। अरे गाइस, जिसने मुझे अपना बंदी बना लिया, अब क्या करना चाहेगा? अब मैं तुझे जिंदगी भर इसके अंदर रखूंगा। बाकी मुझे अब टोनी स्टार्क के पास आयरन मैन का सूट लेने जाना है। गाइस देखिए, ये उसी सूट की बात कर रहा है जिससे ये बनेगा गॉड रिच आयरन मैन। बिल्कुल, तो मैं जा रहा हूँ फ्रैंकलिन, गलती से भी इससे बाहर निकलने की कोशिश मत करना। ठीक है जाओ यार, मुझे क्या। अरे हम तो गाइस यहाँ पे फंस ही गए बुरी तरह से, अब मैं कुछ कर भी नहीं सकता, बस चारों तरफ मेरे आस पास जाल है। अरे गाइस यार, अब मुझे खाना पीना कौन देगा? चलो जल्दी चलता हूँ।
था। टोनी स्टार्क का देखूं तो सही, ऐसा कौन सा सूट है जो मुझे गॉडरिच आयरन बना देगा? टोनी मैं रहा हूँ, आजा आजा आजा। अरे यार बीच में वो फ्रैंकलिन मिल गया था, मुझे भी उसी की वजह से परेशानी हो गई और मेरे सूट में कुछ खराबियाँ हो गई। लेकिन तूने तो मुझसे कहा था कि मुझे गॉडरिच आयरन का सूट मिलेगा, ये तो बड़ा ही नूब सा सूट है। अबे चिंता मत कर, इस सूट को जब तू अपग्रेड करेगा तो ये सूट बहुत ही खतरनाक बन सकता है। ऐसी बात है? हाँ बिल्कुल, तो एक काम कर, इस सूट को तू ले जा और इसका यूज़ कर ले। अच्छा समझ गया मैं, तो ठीक है इस सूट को मैं ले जाता हूँ अभी कभी। इस सूट को मुझे गॉडरिच आयरन बनाना होगा, उसके लिए कुछ अपग्रेडेशन करवानी होगी और फ्रैंकलिन को बोलना होगा कि वो मेरे लिए काम करे, जिससे कि वो मेरे लिए बनाए गॉडरिच आयरन का सूट। फ्रैंकलिन, अरे गाइस एक मिनट, ये कौन सा सूट ले आया? अरे गाइस देखो तो, ये तो नूब सूट लेके आया। अरे अरे अरे, मैंने सोचा था तू गॉडरिच बनेगा, अबे इसको तो मैं ही हरा दूंगा। गाइस अच्छा हुआ, अपना गॉडरिच आयरन का सूट मैं लूंगा। क्या बकवास कर रहा है, इस सूट को मैं तुझसे बनवाऊंगा गॉडरिच। क्या मतलब? अबे बाहर निकाल, यह सूट तू बनाएगा गॉडरिच लेवल का, समझा? नहीं तो तुझे छोड़ूंगा नहीं। ये ले पत्थर और बाहर निकल। अबे तूने मुझे खुद ही तो बंद किया, क्यों मारना चाह रहा है? जब तक तू मेरी बात नहीं सुनेगा, इस सूट को गॉडरिच ही बनाएगा तू बेटा। गाइस बहुत हो गया, अब मैं इस सूट को खुद ही पहन लेता हूँ और इसकी बैंड बजाता हूँ। वैसे तो ये नूब सा सूट है, लेकिन हम इसको मार के देखते हैं। 1 2 और ये ले। अरे वाह गाइस, मैं तो इस सूट को अंडर एस्टिमेट कर रहा था, ये वाला सूट तो काफी पावरफुल निकला। अब फ्रैंकलिन धोखेबाज, लड़ मुझसे, लड़ी तो रहा हूँ तुझसे और तेरी बैंड भी बजा रहा हूँ मैं। फ्रैंकलिन मेरा साथ दे, मेरे लिए गॉडरिच आयरन सूट बना। नहीं, वो सूट तो मैं खुद के लिए अपग्रेड करूंगा। तो गाइस यहाँ पर हमने रेड हल्क को हरा दिया। अब दोस्तों मुझे जल्दी से कुछ पैसे चाहिए और सुपर इंग्रेडिएंट जिसका यूज करके मैं इस सूट को पावरफुल बना लूं और गॉडरिच आयरन बना दूं, जिससे कि मैं दुनिया का सबसे खतरनाक बन जाऊं। तो जल्दी जल्दी चलता हूँ, चलो पैसे निकालो। अरे भैया कैसा पैसा, जब देखो मैं पास आ जाता है पीटने। यस यही तो मेरा काम है, तुम सबकी बैंड बचाना बेवकूफ हो। ये लो पूरी तरह से पटकूंगा तुमको। अरे प्लीज छोड़ दो, नहीं छोड़ूंगा। ये लो और पीटूंगा, पूरी तरह से मारूंगा। अरे बाप रे, हालत खराब कर दी, मम्मी बचाओ। नहीं बचाएगा तुम्हें कोई भी। ये लो पैसे निकालो। अच्छा ठीक है, ले ले पैसे, पर मैं मान मत। यस गाइस ये सब के सब मान गए, अब इनका पैसा हम जल्दी से लेते हैं और अपने सूट को अपग्रेड करने में लगा देते हैं, इससे बेटर क्या ही होगा। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने पैसे ले लिए इन बेवकूफों से, अब जल्दी से अपने सूट को अपग्रेड करने का काम करता हूँ। और अब मेरी हालत खराब हो गई, वो मुझसे आयरन मैन का सूट छीन कर ले गया। अब तो मैं बड़े भैया के पास जाता हूँ। बड़ा भैया कहाँ हो, क्या हो गया, कैसे क्यों परेशान है? अरे बड़ा भैया, वो फ्रैंकलिन को मैंने अपना गुलाम बनाया था, मैं चाहता था कि वो मेरा गुलाम बनके मेरे लिए गॉडरिच आयरन का सूट बनाए, लेकिन वो तो मुझे ही पीट गया। ऐसी बात है, तो ठीक है मैं तुझे बना देता हूँ रेड डेविल, उसके बाद तू उसकी बैंड बजा देना। रेड डेविल मैं तैयार हूँ भैया, जल्दी करो। अरे डॉक्टर स्ट्रेंज यार, मैंने बहुत कोशिश की पैसों का यूज करके सूट को अपग्रेड करने की, लेकिन इसका कुछ हुआ ही नहीं, तुम ही कुछ करो। अच्छा ऐसी बात है, ठीक है वो पैसे और इंग्रेडिएंट मुझे दे दे, उसका यूज करके मैं तेरे सूट को पावरफुल बना दूंगा। ये हुई ना बात गाइस, तो अब डॉक्टर स्ट्रेंज हमको बहुत ही पावरफुल बना देगा और हम गॉडरिच आयरन मैन बन पाएंगे। मजा ही आ जाएगा फिर तो। जल्दी सामने खड़ा हो जा बात। तो गाइस मैं यहाँ पर जल्दी खड़ा हो जाता हूँ, अब देखते हैं क्या करेगा। बना दो तो गॉडरिच है। गाइस जल्दी से कमेंट में आयरन मैन ओपी लिखो, जिससे कि मैं कमाल का आयरन मैन का सूट बनवा पाऊं डॉक्टर स्ट्रेंज से। गाइस जल्दी कर दो। हां जल्दी कर दो इसके लिए। अरे झटके लग रहा है, बाप रे। अरे नहीं, अरे वाह, मैं तो येलो कलर का आयरन मैन बन गया और साथ साथ में मेरी पावर्स देखो, धुएं में कैसे ट्रांसफॉर्म हो पा रहा हूं मैं। जल्दी जल्दी करना होगा। ये ले मेरे छोटे भाई, मैं तुझे बना दूंगा रेड डेविल। जी बड़ा भैया, जल्दी बना दीजिए। बिल्कुल, बस तू बनने ही वाला है, बस कुछ समय में। और अरे वाह बड़ा भैया, आपने तो मुझे रेड डेविल बना दिया, आपका बहुत बड़ा शुक्रिया। अब मैं जाता हूँ और उस फ्रैंकलिन की बैंड बजाता हूँ। बिल्कुल जल्दी जा और उससे रिच आयरन मैन का सूट छीन। बिल्कुल मैं छीन लूंगा उससे सूट, हा 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 हा। अब देखता हूँ वो क्या करता है, मैं तो बहुत ही खतरनाक बन गया। अब इस फ्रैंकलिन को छोड़ूंगा नहीं, मेरा नाम है डेविल रेड हल्क। अब तेरी
बैंड बजाऊंगा मैं फ्रैंकलिन सामने। एक मिनट गाइस, ये रेड हल्क डेविल कब से बन गया? एक मिनट, तू तो नोब हुआ करता था, इतना पावरफुल कैसे बन गया? देखा गाइस, ये भी शौक और मैं भी शौक, तो ठीक है बहुत हो गया, अब मैं तुझे दिखाऊंगा अपनी रियल पावर्स बेटा, मैं बहुत ही खतरनाक हूँ, देखेंगे कौन कितना पावरफुल है। आ जा बेटा, अब बताता हूँ तुझे गाइस, देखिए किस तरह से मैं पावर्स के अब्सॉर्ब कर रहा हूँ। अरे अरे, तू तो बहुत खतरनाक नजर आ रहा है। यस गाइस, ये ले, अभी तो बेटा तू है, उसके बाद मैं टोनी स्टार्क से बदला लूंगा, क्योंकि उसने भी मेरा बहुत अपमान किया है और मुझे गरीब गरीब बोल रहा था ना वो। गाइस अब हम उसका सूट छीनेंगे और बहुत ही पावरफुल हो जाएंगे। अरे मुझे माफ कर दे प्लीज, नहीं छोड़ूंगा। ये ले, यस गाइस, मेरा बड़ा भाई रेड हल्क तुझे नहीं छोड़ेगा जो गॉड है। हाँ, इसका कोई बड़ा भाई भी है गॉड? कोई नहीं, उससे भी हम बाद में निपट लेंगे। पहले तो गाइस देखो, मैंने यहां पर रेड डेविल हल्क की बुरी तरह से बैंड बजा दी, तो गाइस अब समय आ गया है और ज्यादा अपग्रेड होने का और साथ साथ में उस टोनी स्टार्क को हराने का। तो जल्दी से स्टार्क मेंशन चलते हैं, स्टार्क मेंशन इसी रास्ते है। तो यहाँ पर मैं आ गया। अबे ये कौन है? मेरा नाम फ्रैंकलिन है, तू इतनी जल्दी भूल भी गया मुझे? नहीं 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 नहीं, तुम जैसे भिखारियों को कैसे भूल सकता हूँ मैं, आ गया होगा फिर से भीख मांगने। बकवास बंद कर, देख मेरा सूट कितना कमाल का है। और ये सूट आया कहाँ से तुझ पे? जावेस, जरा मैं आयरन मैन का सूट पहनाऊँ, इसको फिर बताता हूँ। अच्छा बेटा, देखता हूँ तू क्या करेगा। अबे ये क्या कर रहा है फ्रैंकलिन, ये कैसी पावर है तेरी? यही तो कमाल है मेरा, देखिए गाइस कितना बुरा मार रहा हूँ उसको मैं। अरे हालत खराब कर रहा है फ्रैंकलिन, ऐसे मत कर प्लीज। देखिए गाइस, ये देखिए मैं कितना बुरा पीट रहा हूँ उसको। अबे प्लीज प्लीज छोड़ दे मुझे फ्रैंकलिन। यस गाइस, मैंने फाइनली टोनी स्टार्क की सारी पावर्स को अब्सॉर्ब कर लिया है और उस वजह से गाइस अब मैं इतना अमीर और ताकतवर हो जाऊंगा कि आप सभी को अभी के अभी अपना पैसा दिखाता हूँ। तो गाइस देखिए, मैंने टोनी स्टार्क के सारे पैसे को अब्सॉर्ब कर लिया, उस वजह से मेरे स्टॉक मेंशन में अब सोना ही सोना, साथ साथ में सोने की गाड़ियां और एक आयरन मैन का कमाल का सूट, और इधर भी देखिए गाड़ियां ही गाड़ियां हैं। तो गाइस अब मैं फाइनली गॉड रिच आयरन मैन बन ही गया हूं और मेरी मेहनत अच्छी तरह से सफल हो गई। मुझे उम्मीद है आप इस तरह की वीडियोस और देखना चाहेंगे, इसलिए कमेंट में नेक्स्ट पार्ट जरूर लिखना और स्क्रीन पर जो वीडियो दिख रहे हैं उसमें से भी कोई सा वीडियो देख लो, बहुत मजा आएगा। थैंक यू सो मच।